जो कहना है 1000। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के उन त्योहारों में शुमार है जो अपने आप में पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास को समेटे हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इस दिन सभी भाई सुनी कलाई बहन की ओर राखी बांधने का इंतजार करती है। प्रदेश में बसे भाई भी बड़ी बेसब्री से बहन की राखी की बाँट जोड़ते हैं, बहन के घर उपहार लेकर भी रक्षा का धागा बंधवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सगी बहन ही भाई को राखी बांध सकती है, मुंह बोले भाई और बहन में भी रक्षा बंधवाने का दस्तूर काफ़ी पुराना है। और यही तो हमारे जो त्यौहार हैं इनकी खूबसूरती है दोस्तों कि ये प्रेम सद्भाव का प्रतीक होते हैं। आप ही देखिए ना कि जब रक्षाबंधन होता है तो उस दिन आप सड़कों पर देख सकते हैं कि कुछ बहनें आती हैं और उनकी भाभियां उनका इंतज़ार करती हैं कि हमारी ननद आएंगी और हमारे पतियों को राखी बांधेंगी। तब तक वो घर पर उनका इंतज़ार करती हैं, उसके बाद जब उनकी ननद आ जाती हैं और उनके जो पति होते हैं उन्हें राखी बांध देती हैं, उसके बाद वो फिर अपने मायके जाती हैं। और इसी सिलसिले में हम देख सकते हैं कि जो सड़कें होती हैं वो लगातार जो हैं चलती रहती हैं, बहुत ट्रैफिक मिलता है रक्षाबंधन के दिन। तो ऐसी खूबसूरती इस त्यौहार की है। और साथ ही साथ इस त्यौहार का हमारे जितने भी त्यौहार हैं, रक्षाबंधन ही हमारे जितने भी त्यौहार हैं, सभी का हमारे जो पुराण हैं या फिर कहीं ना कहीं इनका जिक्र मिलता है और इन सभी का ऐतिहासिक महत्व है। ये नहीं कि हमारे हिंदू समाज में जो है त्यौहार ऐसे ही बना दिए गए हैं, बल्कि इन सभी का एक इतिहास होता है, कुछ महत्व होता है और विशेषताएँ होती हैं। तो क्या है रक्षाबंधन की विशेषताएँ, तो आइए हम ये भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं में राखी में जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी जो भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है, शिशुपाल के वध के समय श्री कृष्ण इतने गुस्से में उन्होंने चक्र चलाया कि उनकी उंगली घायल हो गई, उससे खून टपकने लगा और द्रौपदी ने खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का टुकड़ा काट कर उस समय और उनकी उंगली पर बांध दिया। और इसी टुकड़े को जब उन्होंने उनकी उंगली पर बांधा तो जब पांचाली जो थी द्रौपदी, जब चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की, यानी कि उन्होंने उनके रक्षा सूत्र बांधा और श्री कृष्ण ने जो है आकर उनकी सहायता की। बंधन की कथा दानवराज बलि से भी जुड़ी हुई है। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहा, इससे देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के दर पर भिक्षा मांगने पहुंचे और गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान देने का वचन दे दिया। और इस वचन के बदले, अपने इस दान के बदले राजा बलि ने भगवान से हमेशा अपने सामने रहने का वचन ले लिया। और भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी ने नारद जी से एक उपाय पूछा तो नारद जी ने उन्हें उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांध कर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। यह प्रसंग भी जो है रक्षाबंधन मनाने की वजह बताया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इससे हमारी पौराणिक प्रथाएं तो जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ आज वर्तमान में भी ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बना हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि ये इस प्रेम के प्रतीक को सदैव हम सजाए रखें, अपनी बहनों को आदर दें, बहनें अपने भाइयों को प्यार इसी तरह से देती रहें। और आजकल इस त्यौहार का कुछ लोग बाजारीकरण करने लगे हैं, ऐसा ना हो और सभी प्रेम से रहें। धन्यवाद, नमस्कार।